हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल 0 to Hero 247 बिगनिंग ऑफ विनिंग। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द प्रिज्म। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इस प्रिज्म के थ्रू किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। सो दोज स्टूडेंट हु स्टिल हैवंट वॉच द प्रीवियस वीडियो रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन, सो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दैट वीडियो। सो आप जाएं पहले वो सारे वीडियो देखें, वहां से कॉन्सेप्ट देखें कि क्या होता है रिफ्रैक्शन, सारी चीज़ें, फिर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा। और एक चीज़, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ICSE बोर्ड से रिलेटेड एवरी सिंगल चीज़ मैथ्स और फिजिक्स का आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, चाहे वो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो, चाहे वो एक एक सिंगल टॉपिक। सो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं, आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको अमेजिंग फैक्ट्स और आप कैलकुलेशन को कैसे बूस्ट करें वो सारी चीज़ों के वीडियो भी आपको यहाँ मिलेंगे, ताकि आप NTSC का एग्ज़ाम देना चाहते हो, KVPY का, कोई भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सको, ठीक है। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर न्यू ऑन दिस चैनल, सो फर्स्टली आप सब्सक्राइब कर ले चैनल, ताकि आपको उसका सारा अपडेट मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैंने आपको प्रिज्म बताया था कि प्रिज्म में एक प्रिंसिपल सेक्शन होता है। प्रिंसिपल सेक्शन कौन सा होता है? जो फ्रंट पार्ट होता है ABC, ओके, उसके थ्रू ही हम सारा प्रोसेस करते हैं, क्योंकि डायग्राम में पॉसिबल नहीं है कि हर एक सेक्शन को दिखाना। सो हमेशा हम कौन सा सेक्शन लेते हैं? फ्रंट वाला ABC, जिसको हम प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। सो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, दिस ABC इज़ द प्रिंसिपल सेक्शन, एंड थ्रू दिस प्रिंसिपल सेक्शन द रिफ्रैक्शन has done। So यहाँ पर एक ray of light है OP, OP is incident on this surface, which surface? AB surface, ठीक है। So OP जब इस surface पे incident होगा तो क्या होगा? Refraction होगा। क्यों refraction होगा? क्योंकि ये prism एक transparent medium है, okay? So यहाँ से जब refraction होगा, सो ये है आपका नॉर्मल। नॉर्मल कैसा होता है? जैसे कि अगर ये प्लेन सरफेस है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सो अभी जो सरफेस है वो ऐसा है, सो इस पे नॉर्मल कैसा आएगा? ऐसा आएगा। सो वही यहाँ पर ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है। सो जब लाइट, दिस वन इज रेरर मीडियम क्योंकि ये एयर है, और दिस वन इज द डेंसर मीडियम क्योंकि ये ग्लास है। सो जब लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो स्पीड उसका कम होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका है। सो स्पीड कम होगा तो वो किस तरफ आएगा? नॉर्मल की तरफ वो क्या होगा? बेंड होगा। सो देखो, ये है नॉर्मल। सो ये लाइट, अगर ये साइड नहीं रहता ट्रांसपेरेंट, तो ये लाइट किस डायरेक्शन में जाता है? इस डायरेक्शन में जाता है, स्ट्रेट चला जाता। लेकिन यहाँ पर एक बैरियर आ गया, इससे भारी चीज़ आ गई, यहाँ पर डेंसर मीडियम आ गया। सो इसका स्पीड अब थोड़ा कम हो जाएगा। सो ये बेंट हो जाएगा किस तरफ? नॉर्मल की तरफ, ठीक है। वेन एवर द लाइट गोज फ्रॉम रेरर टू डेंसर, इट विल बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। अब ये लाइट कहाँ जा रहा है? ये ऐसा स्ट्रेट जा रहा है रिफ्रैक्ट होकर के P और Q. PQ इज द रिफ्रैक्टिंग रे, ओके। दिस वन इज द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, दिस PQ इज द रिफ्रैक्टिंग रे, ठीक है। अब उसके बाद रिफ्रैक्शन होने के बाद यहां पर ये इस फेस पे आके स्ट्राइक किया। कौन से फेस पे? AC पे। अब देखो, ये है डेंसर मीडियम और ये बाहर फिर से आ गया रेरर मीडियम। सो अब लाइट क्या होगा? जब डेंसर से रेरर की तरफ जाएगा तो लाइट का स्पीड क्या होगा? अभी ऑब्स्ट्रक्शन है, डेंसर मीडियम है, अचानक से रेरर मीडियम आ गया, वो फ्री हो गया, तो स्पीड उसका बढ़ जाएगा। सो अभी लाइट को ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन स्पीड अब उसका बढ़ेगा, तो वो इस तरफ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो, नॉर्मल ये है, इससे दूर भागेगा। सो दूर ये इस डायरेक्शन में QR में चला जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे। इमर्जेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये दोबारा इमर्ज हो रहा है। यहाँ इंसिडेंट रे और दिस वन इज द इमर्जेंट रे, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो I1 है, I1 जो है वो कौन सा एंगल है?
इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है। आई वन कौन सा एंगल हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल ऑन द सरफेस ए बी। अब देखो एक चीज याद रखना, जब भी इंसिडेंट एंगल बनेगा और रिफ्रैक्टिंग एंगल बनेगा वो ऑलवेज कहाँ से बनेगा, हमारे नॉर्मल से बनेगा, ठीक है, नॉर्मल से हमेशा बनेगा। देखो I1 जो इंसिडेंट एंगल किसके बीच बन रहा है, ये है नॉर्मल आपका और ये है इंसिडेंट रे, सो दिस वन इज द I1। आफ्टर रिफ्रैक्शन अगेन जो एंगल बनेगा वो किसके साथ बनेगा, नॉर्मल के साथ बनेगा। सो देखो ये है आपका नॉर्मल और ये है रिफ्रैक्टिंग रे, दिस ब्लू वन, सो दिस वन इज द R1। R1 कौन सा एंगल हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। अब देखो अगर हम ये सरफेस को देखें AC, ये किस सरफेस के लिए था, AB। अब अगर हम AC सरफेस को देखें, सो AC सरफेस के लिए ये वाला रे क्या होगा, ये अब इस वाले सरफेस पे इंसिडेंट होगा, सो इसीलिए अब हम R2 को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है, इंसिडेंट एंगल बोलेंगे फॉर द सरफेस AC, R2, ठीक है। सो R2 यहां पर हो जाएगा इंसिडेंट एंगल फॉर ए सी सर्फेस, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आर टू यहां पर इंसिडेंट एंगल है। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस ए सी सर्फेस ये कहां जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चलेगा और इमर्ज होगा, कौन सा रे आ जाएगा, इमर्जेंट रे, और दिस आई टू इज कॉल्ड द इमर्जेंट एंगल, ठीक है, इमर्जेंस एंगल या इमर्जेंट एंगल आप जो बोलो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें समझ आई। अब देखो यहाँ पर आपको डेल्टा वन और डेल्टा टू दिख रहा होगा, अब ये डेल्टा वन डेल्टा टू क्या है, अब देखो अगर ये प्रिज्म नहीं रहता ये सरफेस तो ये लाइट तो इस डायरेक्शन में जाता, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाता इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रिज्म, सो इस एक्शन में जाता, लेकिन हमने प्रिज्म ला के रख दिया तो ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया, सो दिस डेल्टा वन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द सर्फेस ए बी, ठीक है। सो ये हो गया डेल्टा वन। अब देखो ये जो क्यू आर है, ये क्यू आर ऐसा है लेकिन वो कहाँ से अपियर कैसा हो रहा है कि वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन से, बट एक्चुअल में तो वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ ना, यहाँ से हुआ, सो ये एक्चुअल में यहाँ से अपियर हो रहा है लेकिन ये रिफ्लेक्ट यहाँ से हो जा रहा है, रिफ्रैक्ट। सो दिस वन इज द डेल्टा टू, किस डेविएशन से, वो डेविएशन कौन सा हो गया, डेल्टा टू, क्योंकि होना था ऐसा लेकिन ये यहाँ से ऐसा मुड़ गया है, सो दिस वन इज द डेल्टा टू, और इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द सर्फेस ए सी, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब देखो अगर ये चीज नहीं रहती तो ये लाइट तो ऐसे जाता, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से मुड़ा, फिर आफ्टर, फिर ये सरफेस आ गया, फिर यहाँ से भी रिफ्रैक्शन हो गया, मतलब जाना तो यहाँ से था बट फाइनली हमको यहाँ मिला है रिफ्रैक्ट हो करके। सो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये कितना डेविएट हुआ, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ डेविएट हो गया, मतलब डेल्टा एंगल से ये डेविएट हो गया, ठीक है। सो यही सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, यहाँ पर जो जो चीज़ मैं लिखा रहा हूँ या लिखा हुआ है वही चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उतना ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। सो ये आप लिख लेना। अब हम लोग चलते हैं इसके डेरिवेशन पे कि एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ यहाँ पर मैथमेटिक्स लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। सो देखो अगर हम ये एंगल ले एल एम क्यू, दिस एंगल इज एल एम क्यू, एल एम क्यू, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा से, ठीक है, और ये डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो अगर हम मैथमेटिक्स लगाएं तो दिस वन इज द, फॉर दिस ट्रायंगल मैं इसको रफली बना रहा हूं, ये है आपका ट्रायंगल और ये है आपका डेल्टा, और ये है डेल्टा वन और ये है डेल्टा टू। तो देखो दिस वन इज द एक्सटर्नल एंगल, और हमें पता है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सम ऑफ इंटरनल एंगल होता है। सो दिस वन इज द डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, और अगर आप इसको लिखना चाहो एल एम क्यू इज इक्वल टू, दिस एंगल इज कॉल्ड एम पी क्यू, दिस वन इज द एम पी क्यू प्लस एंगल ऑफ दिस वन इज द एम क्यू पी,
ठीक है। सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन में कुछ नहीं किए, आप जो ये ले रहे हो एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू दिस वन इज द इंटरनल एंगल। अब देखो आप एक चीज, अगर ये आई है, ये आई है, इंसिडेंट एंगल है, ठीक है। सो अगर ये आई है तो ये पूरा भी आई होगा, होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो कुछ ऐसा है ये और ये। अगर ये आई वन है सो ये भी आई वन होगा, ठीक है। सो दिस वन इज द आई वन, ये भी आपका आई वन हो जाएगा। सो अगर ये पूरा आई वन है, ये पूरा आई वन है, तो आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल आई वन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा वन प्लस आर वन, ठीक है। देखो ये आई वन तो ये भी आई वन हो जाएगा, और ये आई वन किसका है, डेल्टा वन प्लस आर वन के लिए। सो ये हो गया डेल्टा वन प्लस आर वन। सो अगर हम डेल्टा वन यहाँ से निकालना चाहें, डेल्टा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वन माइनस आर वन, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें, अगर ये आई टू है तो ये पूरा भी आई टू हो जाएगा, ये पूरा भी आई टू हो जाएगा। सो अब हम बोल सकते हैं आई टू इज इक्वल टू डेल्टा टू प्लस आर टू, ओके, दिस आर टू प्लस डेल्टा टू, ये पूरा आई टू हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं डेल्टा टू इज इक्वल टू एंगल ऑफ आई टू माइनस एंगल ऑफ आर टू, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर टू ले लो, इक्वेशन नंबर थ्री। अब अगर हम इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट करें, सो फ्रॉम इक्वेशन वन, सो हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, इसको केवल आई वन लिख रहा हूँ, ठीक है, आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू। सो अगर हम इसको अरेंज कर लें अच्छे से तो हम लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू, ठीक है, आई वन प्लस आई टू, और यहाँ पर माइनस माइनस दोनों में है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। यहाँ तक कुछ नहीं किए, सिर्फ क्या लिए, ट्रायंगल लिए, एक तो ये ले लिए, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका सम ये है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका सम ये है। यहाँ से हम डेल्टा वन और डेल्टा टू चाहिए था, तो हमने डेल्टा वन और डेल्टा टू निकाल लिया और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए, ओके। यहाँ तक समझ आया, ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर वापस दूसरा करते हैं, ठीक। सो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फोर हो गया। अब आपको दिख रहा होगा ये ए पी एन क्यू, ए पी एन और ये हो गया आपका क्यू, ठीक है, ए पी एन क्यू। ये कहाँ से आया, देखो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन था, उसका आधा ले लें, और ये स्ट्रेट लाइन था पूरा ये वाला, और यहाँ पर ये प्रिज्म बन जाता है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो था वो क्या था, ये तो नॉर्मल था ना आपका, ये नॉर्मल था। सो नॉर्मल मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी नॉर्मल था मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। सो कैन वी से दैट दिस ए पी एन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, एंड ऑल्सो दिस ए क्यू एन इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है, ये 90 डिग्री हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस एंगल मस्ट बी, सम ऑफ दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो आई राइट दिस पी ए क्यू प्लस पी ए क्यू प्लस पी एन क्यू, पी एन क्यू, पी ए क्यू प्लस पी एन क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखो ये 90, ये 90, तो 90 180 हो गया, और ये दिस वन इज 180 हो गया। सो 180 प्लस 180 360 डिग्री। सो क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड का एंगल कितना होता है, सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब क्या करें, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ अगर हम ये ट्रायंगल ले पी एन क्यू, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल पी एन क्यू, ये है पी एन क्यू, दिस वन
दिस इज पी, दिस इज एन और दिस इज क्यू, दिस वन इज आर वन एंड दिस वन इज आर टू, ठीक है, इसका पार्ट है ये। अब यहां से दिख रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इफ दिस एंगल इज आर वन, दिस एंगल इज आर टू, सो वॉट इज दिस एंगल? सो दिस इज 180 माइनस आर वन प्लस आर टू। ओके, सो आई राइट हियर दिस एंगल एन पी क्यू प्लस पी क्यू एन प्लस क्यू एन पी, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑफ ट्रायंगल। नाउ दिस एन पी क्यू, एन पी क्यू इज आर वन, पी क्यू एन इज आर टू, प्लस दिस वन इज क्यू एन पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस क्यू एन पी इज इक्वल टू, क्यू एन पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आर वन प्लस आर टू। ओके, क्यू एन पी, और इसी को हम पी एन क्यू भी बोल सकते हैं ना, पी एन क्यू, क्यू एन पी बोलो चाहे पी एन क्यू बोलो सेम ही है, क्यू एन पी बोलो चाहे पी एन पी, एंगल तो एन ही है ना। सो इसको हम ये लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस आर वन प्लस आर टू। अब देखो ये एक इक्वेशन, आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 5 और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 6। तो देखो पी एन क्यू, यहाँ भी पी एन क्यू है और यहाँ भी पी एन क्यू है। सो हम क्या करेंगे, अब ये हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। सो इसके जगह पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, आप क्या लिखोगे, इसके जगह पर आप एंगल ए लिख लोगे प्लस पी एन क्यू, पी एन क्यू के जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ ये। सो पी एन क्यू के जगह पर मैं ये पूरा लिख देता हूँ 180 डिग्री माइनस आर वन प्लस आर टू, ठीक है, इस पी एन क्यू के जगह पर ये लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो दिस इज एंगल ए, दिस इज माइनस आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस इज इन प्लस साइन, व्हेन आई ब्रिंग दिस टू दिस साइड दिस प्लस इज कन्वर्टेड इनटू माइनस, सो माइनस 180 डिग्री। ओके, सो दिस इज जीरो, सो आई राइट दिस एंगल ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। सो ये क्या है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, ए क्या है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। सो ये एंगल ऑफ प्रिज्म किसके सम के इक्वल हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू के इक्वल हो जाएगा। सो ये हो गया। अब एंगल, ये जो इक्वेशन 7 है, इस इक्वेशन 7 को हम इक्वेशन 4 में पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 में पुट कर सकते हैं। सो अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 में, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो डेल्टा इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस, इन प्लेस ऑफ आर वन प्लस आर टू कैन आई राइट दिस एंगल ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। ओके, नाउ आई इरेज दिस, सो दिस डेल्टा इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस एंगल ए एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। और इफ इन केस अगर क्वेश्चन में पूछ दे एंगल ऑफ प्रिज्म, सो एंगल ऑफ प्रिज्म दिस इज माइनस, सो व्हेन आई ब्रिंग दिस टू द दिस साइड, सो दिस माइनस बिकम प्लस एंड दिस इज आई वन प्लस आई टू एंड दिस इज माइनस डेल्टा। ओके, दिस वन इज द इक्वेशन, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 9 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 10, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डेविएशन एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रिज्म। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। सो कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो सो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो करके ये जो आईडी दिख रहा है वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास फ़ोन नंबर हो तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कोई डाउट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या कौन कौन से इसके फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म को।
ओके, सो स्टे होम स्टे सेफ, 2 गज दूरी मास्क भी है जरूरी और पढ़ाई भी है जरूरी। थैंक यू।